नमस्ते जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि जो ये आने वाला साल है आपके लिए एक नई उमंग, एक नया स्वास्थ्य है और एक नई मेंटल हेल्थ लेके आए। यही मेरा प्रयास रहेगा और यही मेरी शुभकामनाएं भी आप सबके लिए रहेंगी। तो अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये अभी जो न्यू ईयर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम जो अभी 2 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा फोकस रहेगा वज़न कम करने पर, वेट लॉस पर, फैट लॉस पर। उसको आप चाहे वेट लॉस कहें, फैट लॉस कहें, इंच लॉस कहें, वो एक ही बात है। तो इस प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हम रखने वाले हैं, वो जो है वो पूरी योगिक अप्रोच हम इसमें रखने वाले हैं। क्योंकि योग जो समझता है, योग थेरेपी जो है, वो वेट गेन होना यानी मोटापा जो है, इस प्रॉब्लम को जो है साइकोसोमेटिक समझती है। वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ कैलोरी कम करते चले जाएं, कैलोरीज कम खाते चले जाएं और खूब सारी एक्सरसाइज करते चले जाएं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। और यही कारण है कि 99% लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं वेट कम करने में। सिर्फ 1% ही जो बहुत डेडिकेटेड हैं, या जिनके जिनको बस पागलपन सवार हो जाता है, या बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग माइंड सेट है, वही लोग इस चीज़ में सफल हो पाते हैं। और वो भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं रह पाता है। हमने नोट किया होगा कि लोगों का वज़न कम हो जाता है, कभी 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो तक भी कम हो जाता है, लेकिन वो उसको मेंटेन कितने परसेंट रख पाते हैं। अगर मैं उसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ तो अगर 1% लोगों का रिजल्ट आता है उस चीज़ में, तो 0.001% उसको कहीं मेंटेन कर पाते हैं। कोई 1,000 लोगों में से कोई एक दो बंदा उसको मेंटेन कर पाएगा। अदरवाइज वही कभी 2 किलो कम हो गया, कभी 2-4 किलो बढ़ गया, फिर कम कर लिया, फिर कभी नए साल पर थोड़ा कम कर लिया, फिर दोबारा से धीरे धीरे साल के मिड तक, एंड तक हम उसी शेप में आ जाते हैं, बल्कि पिछले साल से भी 2-4 किलो ज़्यादा ही होता है लास्ट में। आप अपना पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। क्योंकि इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद और इतना समझने के बाद, मैं भी इतने सालों से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस साइकोलॉजी को करने के, इस लाइफस्टाइल, चाहे ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, चाहे ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, इसको समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि जो मोटापा जो है वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, और यही योग थेरेपी भी कहती है। ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं है कि आपने ज़्यादा खा लिया है, या फिर आप बहुत आलसी हो गए हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी कारण साइकोसोमेटिक ही है। मतलब प्रॉब्लम जो है वो आपके मन में है, आपके माइंड सेट में है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं वो योगिक मेथड उपयोग करने वाले हैं। अदरवाइज सिर्फ कम कैलोरीज खाना और खूब सारे एक्सरसाइज करना, इतने से होता तो हो ही गया होता, ये हमने चेक किया है। हॉर्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर वो भी सीधी साइकोलॉजिकल जुड़ी हुई है, वो 7 चक्रों से जुड़ी हुई है। तो योग की जो इसमें अप्रोच है उसका हम उपयोग करने वाले हैं इसमें। अब की बात, इस जो फैट वेट लॉस लॉस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। इस फैट लॉस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो आपको एक नॉर्मल बॉडी शेप में लेके आना है, जो कि जाहिर सी बात है फैट लॉस है तो वो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा। लेकिन उस लाइफस्टाइल को आप मेंटेन कर सको, सस्टेन कर सको, ऐसी तरीके की ऐसी विधि एक हमें डेवलप करना, एक ऐसी हैबिट क्रिएट करनी है जिसको आप सस्टेन कर सको, जो छोड़ने के बाद भी वजन ना बढ़े, तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुख्य उद्देश्य है। अगर आप एक बार अपने वजन कम, मैं ये नहीं कहता कि एक एक महीने में आपका कोई 20 किलो वजन कम होगा, वो होगा भी नहीं और वो पॉसिबल भी नहीं, और अगर होता भी हो तो वो करना भी नहीं चाहिए, वो साइंटिफिक भी नहीं है। चाहे वजन कम हो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी हो, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल, आपके कंट्रोल, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। जितना भी हो उसको आप सस्टेन कर सको, उससे अगले महीने में उसी मेथड को फॉलो करते हुए आप और 2 किलो फिर कम कर सकें, ऐसे कर करके धीरे 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 आप प्रोग्रेस कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। एक ऐसा वर्कआउट प्लान, एक ऐसा योगी प्रैक्टिस डेवलप करना हमारा टारगेट है। कई लोगों का तो ऐसा होगा जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, उनको तो 1 महीना तो कंडीशनिंग में ही लग जाता है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया और अगर उन्होंने हार्ड वर्क किया
तो शुरू में वजन कम जल्दी जल्दी वजन कम होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उन्होंने अभ्यास शुरू किया तो उनके लिए एक जीवन बदल देने वाला एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो इस योगिक मेथड में और जो हम पहले वेट लॉस प्रोग्राम या कहीं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम योगिक अप्रोच ही उपयोग करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लोगों को का वज़न बढ़ा हुआ है, पहले मैं सोच रहा था कि इसमें वर्कआउट और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज और बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगा, लेकिन अभी मैंने सोचा है क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, उनसे बात हुई, तो मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया है कि वो प्रॉपर योगिक मेथड ही रखने वाला हूँ। जितने लोगों को का वज़न बढ़ा हुआ है, उनको बैक पेन भी है, उनको नी पेन भी है, जॉइंट प्रॉब्लम भी है, या कोई और मेडिकल कंडीशन भी है, क्योंकि मोटापा खुद में कोई बीमारी नहीं है लेकिन बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। अगर कोई व्यक्ति 20 किलो वज़न उठा के पूरा दिन घूमता है तो उसके नी, बैक और उसका बैड पोस्चर की वजह से, उसके आलस्य की वजह से, वीक मसल्स की वजह से उसके जॉइंट भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, बैक भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो देखा है मैंने कि जितने लोगों को पहला यही सवाल होता है कि हाँ हमें वज़न भी कम करना है सर, लेकिन हमें कमर में दर्द भी है, हमें सियाटिका का पेन भी है, हमें स्लिप डिस्क का पेन भी है, हमें नी प्रॉब्लम भी है, तो वहाँ पर जाके एक चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है उस चीज़ को कवर करना, या फिर हार्मोनल इंबैलेंस है। अब किसी को थायराइड है तो उसका वज़न कैसे कम करेंगे? आप कितनी भी एक्सरसाइज कराते रहें, कितनी भी कंट्रोल डाइट दें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को, उसको एक थेरेपेटिक वे में कम करना पड़ेगा। तो ये एक योगा थेरेपी की तरह हम वेट लॉस को यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें प्रैक्टिस क्या क्या होने वाली है? सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन। योग में षटकर्म आते हैं, षटकर्म होता है क्लिंजिंग प्रोसेस रहते हैं, जो जो जरूरी जो जो नेसेसरी हैं क्लिंजिंग प्रोसेस, वो हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीक में कम से कम जो छोटे क्लिंजिंग हैं वो एक दो बार हम करेंगे, और कुछ हैं दो महीने में दो बार तीन बार हम अभ्यास करने वाले हैं, और उसके अलावा क्लिंजिंग के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेथड में उपयोग करने वाला हूँ, ताकि आपका सबसे पहला काम डाइजेशन ठीक हो जाए। क्योंकि वेट बढ़ना या कम करना, आपको चाहे बढ़ाना हो चाहे कम करना हो, आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होनी ज़रूरी है, आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक होना ज़रूरी है, आपके पेट की आपका डाइजेशन है वो ठीक होना ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, उसमें आपने ज़्यादा खाया तो वज़न बढ़ गया, अगर आपने कम खाया तो वज़न कम हुआ, अगर आपका डाइजेशन ही फिक्स नहीं है तो फिर आप कितनी भी मेहनत करते रहो, सारी मेहनत बेकार ही चली जाएगी, और आपने करके भी देखी होगी या फिर आप करके देख लोगे। दूसरी चीज़ें इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उस अप्रोच को भी हम नहीं छोड़ रहे कि एक्सरसाइज ही ना करें, ऐसा भी नहीं करने वाले, लेकिन कुछ ऐसी सेफ एक्सरसाइजेज जो बैक पेन वाले भी कर सकें, नी पेन वाले भी कर सकें, वेरिएशंस के साथ। अलग अलग फिटनेस के लोग होंगे तो अलग अलग थोड़ी वेरिएशंस ऐड करके कुछ एक्सरसाइजेज भी हम उसमें कराने वाले हैं। उसके अलावा मुख्य जो हिस्सा रहेगा वो योग आसन का रहेगा। आसन जो है वो बिल्कुल बिगनर लेवल के ही आसन रहने वाले हैं, उनकी होल्डिंग ज़्यादा रहने वाली है। प्रॉपर योग आसनों का जिनको पता है, एक एक आसन, एक एक आसन से कई कई बीमारियाँ, कई कई टाइप के, कई कई मसल्स एक आसन में को होल्ड करने में यूज होती हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, हर चीज़, मोबिलिटी, हर चीज़ पर काम करते हैं आसन। उसके अलावा आपको प्राणायाम का अभ्यास कराया जाने वाला है, बंद मुद्राओं का अभ्यास कराने जाने वाला है, जो कि एकदम थेरेपेटिक इफेक्ट डालेंगे, जो आपके हॉर्मोनल सिस्टम पर, आपके डाइजेशन को ठीक करने के लिए और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को फिक्स करने के लिए, वो पूरा एक थेरेपी की तरह काम करने वाले हैं, प्राणायाम, बंद और मुद्राएं, तो वो भी हम करने वाले। इसलिए मैंने जो क्लास है वो 1.5 घंटे की क्लास रखी है, 90 मिनट की क्लास रखी है, क्योंकि 1 घंटे में सारी चीज़ें होनी पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सरसाइज आसन करेंगे तो वो प्राणायाम छूट जाएंगे, अगर प्राणायाम करेंगे तो फिर आसन और एक्सरसाइज छूट जाएंगे, तो 90 मिनट की क्लास रहेगी। लेकिन 90 मिनट को सुन के आप ये मत समझना कि मेरे से नहीं होगा 90 मिनट। 90 मिनट का हार्ड वर्कआउट नहीं होगा, उसमें आधा घंटा तो प्राणायाम और मुद्राएं और बंद रहेंगे, जो आपको सिर्फ बैठ के या लेट के करने हैं, ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो आराम से हो पाएगी, हर कोई कर पाए, जीरो फिटनेस लेवल का व्यक्ति भी इसे फॉलो कर पाएगा। उसके बाद डाइट प्लान मैं आपको देने वाला हूँ। डाइट प्लान
वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ में भी और आपको जो फ्री वीकली सेशंस रहते हैं उनमें भी मैं समझाता रहता हूँ कि कैसे क्या खाना पीना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी, कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत समझा लिए। लेकिन मैंने देखा है कि छोटे बच्चे की तरह कई बार हम जो लोग बिहेवियर करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान लिख के देने की ज़रूरत होती है कि आप सुबह ये खाओ, दोपहर ये खाओ, शाम को ये खाओ, ये डिनर है, ये ब्रेकफास्ट है, ये स्नैक्स हैं, ये ऐसे करके पूरा रूटीन बनाना पड़ता है। तो ये मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको पूरे मंथ में क्या क्या खाना है, वो पूरा डाइट प्लान आपको मैं देने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे समझाए हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ शरीर ही दुर्बल नहीं होता, मन भी दुर्बल हो जाता है और हम अंदर से भी निर्बल महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते या कोई इतना नहीं सोच पाते कि अब ये खाएं कि नहीं खाएं, है तो वो अब घर में क्या चीज़ अवेलेबल है ये भी हो सकता है, अब वो वैसी चीज़ें ना अवेलेबल हों। तो अगर प्लान है हमारे पास पहले ही तो हम उसकी तैयारी करके रख सकते हैं, पहले दिन ही हम तैयार करके रख सकते हैं कि आज ये खाना है, तो उसकी हम पहले से ही तैयारी कर लें। तो डाइट प्लान भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा छोटा सा पार्ट इसमें रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का भी रहने वाला है, क्योंकि योग थेरेपी में अगर आप योगिक थेरेपी कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोटापा कम करने के लिए योग निद्रा बताई हुई है। योग निद्रा से कैसे मोटापा कम हो सकता है, लेकिन बहुत गहरे जब उसकी साइंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेंटल रिलैक्सेशन है, जो तनाव कम करना है, वो इनडायरेक्ट फैट लॉस करने में मदद करता है। अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़े हुए हैं तो वजन कम होगा ही नहीं, एक पॉइंट पर जाके स्टक हो जाएगा। आपको रिलैक्स करना ज़रूरी है, आपको तनाव रहित रखना ज़रूरी है। तो जो क्लासेज हैं वो वीक में 6 डेज रहने वाली हैं, जिसमें से एक दिन जो थर्सडे का जो दिन है उस दिन हम पूरा मेडिटेशन करने वाले हैं, रिलैक्सेशन करने वाले हैं, रिकवरी करने वाले हैं, ताकि पूरा स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो सके। थोड़ा सा मेडिटेशन का हिस्सा हर रोज़ ही रहेगा, लेकिन उस दिन एक दिन वीक में एक बार अच्छे से पूरे जितने दिन आपने अभ्यास किया उसकी पूरी थकान हम मिटा देने वाले हैं। हालांकि थकान वाली योगा थेरेपी में थकान होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी भाग दौड़ है उसको सारी को एक दिन में ही मिटाएंगे और साथ में उसमें कुछ चक्र और मंत्र प्रैक्टिस करेंगे जो आपके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर भी काम करेगा, आपके एनर्जी को भी चैनलाइज करने का काम करेगा। कहने का मतलब है कि मल्टीपल डायरेक्शन से इस पर काम करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज़ हम सिर्फ एक कोई डाइट प्लान ले लें और ज़बरदस्ती हम 2-4 दिन ही कर पाएंगे ऐसा नहीं कर, ये सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, जो क्लासेज हैं वो जूम पर रहने वाली हैं, लाइव क्लासेज हैं। उसके अलावा अगर आप जूम पर कभी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। डेली की रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही लोगों को मैं उनको दे सकता हूँ जो सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही पहले से ही क्लियर हो कि मुझे रिकॉर्डिंग से करना है। हर रोज़ की रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर मैं हर रोज़ की रिकॉर्डिंग देता हूँ तो जब क्लास ज्वाइन करने का टाइम होता है तो उनके दिमाग में रहता है कि रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, लेकिन जब बाद में रिकॉर्डिंग मिलती है तो करते नहीं हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी दिन की मिलेगी जिस दिन आपको कोई काम हुआ, कोई अर्जेंसी हुई, कोई नहीं ज्वाइन आप कर पाए, उस दिन की रिकॉर्डिंग ही मैं देने वाला हूँ और जो सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही करेंगे उनको मैं सारे रिकॉर्डिंग दे दूँगा। अदरवाइज़ एक रिकॉर्डिंग भी एक एक्सक्यूज़ का काम करती है कई बार, बाकी के मैं कोर्सेज में दे देता हूँ रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, जो जिसको करना है वो करेगा ही, और अगर आप किसी और से के साथ भी उसको शेयर करें तो करेगा, अच्छी बात है, किसी का भला हो। और मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसे लोग भी हों जो रिकॉर्डिंग्स को देख के ही वज़न कम कर लें, बहुत अच्छी बात है, वीडियो देख के कर पा रहे तो ऐसे डेडिकेटेड लोगों को मिलनी भी चाहिए। तो उन लोगों को ही मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे उस दिन आप मुझे पहले बताएंगे, पहले ही बताएंगे और फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उस दिन की, जिसका अभ्यास आप पूरा करेंगे, शाम सुबह नहीं ज्वाइन कर पाए शाम को रात को या किसी छुट्टी वाले दिन आप उसको पूरा करो। 90 मिनट की क्लास रहेगी, मैंने आपको बता दिया है, और किसी भी फिटनेस लेवल का व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, चाहे आपको बैक पेन है, नी पेन है, कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है तो आप कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हो, 1-2 दिन आप ट्राई करके देखो और उसके बाद आपको कंफर्टेबल लगे तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो। प्रोग्रेसिव मेथड रहने वाला है,
इजी से शुरू करके, जो कि हर सारी क्लासेज में मैं ऐसा ही रखता हूँ। शुरुआत बहुत हल्के से होगी, पहले वीक कुछ अलग प्रैक्टिस होगा, नेक्स्ट वीक कुछ होगा, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, ऐसे प्रोग्रेसिव मेथड रहने वाला है, चाहे वो आसन का हो, चाहे वो प्राणायाम का हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो षटकर्म का हो। अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई चांस ही नहीं बनता कि रिजल्ट ना आए। और रिजल्ट के पीछे हमें भागना है, लेकिन सिर्फ एक बार टारगेट बना के रिजल्ट को छोड़ देना है, उसके बाद अभ्यास पर लगाना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, आपने सारी क्लासेस अटेंड की तो गारंटीड रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है योगा थेरेपी का, 100% इसमें। और इसको आप आगे कैरी ऑन कर पाएंगे, आगे सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा अभ्यास मैं आपको कराने वाला हूँ जो आप आगे कर पाएंगे। आप उसको चाहे उन्हीं रिकॉर्डिंग को नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में देख के दोबारा 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 जो लास्ट वीक है उसी को आप रिपीट करते रहें, तो आगे भी इसको सस्टेन कर सकेंगे। थोड़ा मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको एजुकेट करूँ। कुछ क्लासेज जिसमें थ्योरेटिकल की अगर रखनी पड़ी तो मैं थ्योरेटिकल की अलग से क्लासेज रखूँगा, ताकि आपको समझा जा सके। वो भी हम किसी ऐसे टाइम पर जो मुझे भी सूट करे, सबको सूट करे, ऐसे टाइम पर हम थ्योरेटिकल की क्लासेज रख लेंगे, ताकि एक आपको वो साइंस समझाई जा सके, ताकि वो फिर ऐसे ना हो कि जो फ्लक्चुएशन है, जो कभी आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी जुम्बा कर रहे हैं, कभी जिम जा रहे हैं, कभी रनिंग कर रहे हैं, कभी वॉकिंग कर रहे हैं, साइंस को समझ लिया तो फिर हमें समझ में आएगा कि जिम का मतलब क्या है और वॉक का मतलब क्या है, और क्या चीज़ काम करेगी और क्या नहीं काम करेगी। कई बार तो मेरे पास ऐसे ही कॉल आते हैं, सर एक महीने में कितना वज़न कम हो जाएगा। अब पहली चीज़ तो जो ऐसे गारंटी दे रहा है कि एक महीने में इतना वज़न कम हो जाएगा, वो पहली बात तो वो कोई दे ही नहीं सकता। अगर दे रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो मार्केटिंग है, उसके चक्कर में नहीं पड़ने का फ़ायदा है। क्योंकि हर बॉडी टाइप, हर व्यक्ति का लाइफस्टाइल, हर व्यक्ति का हार विहार डिफरेंट है। रिजल्ट होंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ गारंटीड होंगे, लेकिन कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि इतने किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं क्लेम कर सकता है। कितनी भी एक्यूरेट प्रैक्टिस आप कर लीजिए, जो कोच कह रहा है, जो आपके गुरु कह रहे हैं, वो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आना सिर्फ एक्सट्रीम लेवल जो एथलीट हैं वहाँ पर तो आ सकता है एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि वो सालों से एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बिगनर्स के साथ एक्यूरेट बिल्कुल सेम रिजल्ट लेके आना बड़ा मुश्किल काम होता है। और सारा अभ्यास करने वाला, अब एक सूर्य नमस्कार, एक 10 सूर्य नमस्कार मैं किसी को करा रहा हूँ, हर व्यक्ति अलग तरीके से करेगा। कोई एक व्यक्ति है उसको प्रॉपर मसल्स के साथ यूज करेगा, कुछ लोग उसमें ही ज्वाइंट पेन कर लेंगे अपना टेढ़ा मेढ़ा करके, तो वो डिपेंड करता है। ऐसे एक्यूरेसी इतनी क्लेम नहीं की जा सकती है। तो टाइमिंग जो रहने वाली है, इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग की क्लास रहने वाली है 10 बजे से 11:30 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। और शाम की क्लास रहने वाली है 4:30 से 6 बजे तक। अब आपको जो भी क्लास ज्वाइन करनी है, आप उस क्लास की टाइमिंग मुझे लिख के ज़रूर भेजें कि इस बैच में मुझे ज्वाइन करना है, तभी मैं ग्रुप बना सकूंगा और अलग अलग डिवाइड कर सकूंगा। और जो फीस रहने वाली है वो 2000 रहने वाली है महीने की, एक महीने की 2000 फीस रहने वाली है, 6 डेज क्लास रहने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें रजिस्टर करने का क्या तरीका है, रजिस्टर करने का एक सिंपल तरीका है, 2000 रुपये मेरे इसी नंबर पर, जिस नंबर से मैं व्हाट्सएप करता हूँ, 9560940068, इस पर आप पेटीएम, UPI, गूगल पे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो आप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिए, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सिंपल मेथड है। और रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बताया है, डेली की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे के, जिस दिन आप मिस करेंगे सिर्फ उसी दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में थी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो 1-2 दिन ट्राई करके देख सकता है। छोटी मोटी कमर दर्द है, नी पेन है, सर्वाइकल है, ये कर सकते हैं। ऐसी ही एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, क्योंकि थेरेपी है तो इसमें आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग की, नेक फ्लेक्सिबिलिटी की सारी एक्सरसाइज होने वाली हैं, तो इनसे आपको रिलीफ ही होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। अगर आपको बैक पेन, नी पेन, नेक पेन है तो ये ठीक ही होगा, इससे बढ़ेगा नहीं। ऐसी एक्सरसाइज इसमें हम नहीं करने वाले हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, आपके परिवार को, और आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सबको धन्यवाद। सबको नमस्ते, ओम शांति।